हाँ जी, विद द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑफ बेटा स्ट्रेट लाइन। अब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में मेरे पास जो है बेसिकली बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब बेटा इनमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट अस सी। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ जो है 1.2 एंड 3.4 एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1। व्हाट इज रिटन इन द स्टेटमेंट? हाँ जी, द पॉइंट विच डिवाइड्स the join of 1.2 and 3.4 externally in the ratio 1:1, और नीचे ऑप्शन दी हुई है, lies in the first quadrant, lies in the सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ ऑप्शन दी हुई है, कांट बी फाउंड। हम इस पॉइंट को जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब बेटा क्लियर कट है, एक पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए ए पॉइंट है, ये एक्सटर्नली है, ये सी है और इधर कहीं बी है, ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट एक्सटर्नली 1:1 में डिवाइड कर सके? क्योंकि जो एक्सटर्नल होता है ना, उसमें हमेशा कोई ना कोई रेशियो होती है, चाहे वो 2:1 हो, वैसे बाद वाली में ज्यादा होती है एक्सटर्नली में। मान लीजिए अगर ये 3 है तो अगली 4 होगी, एक्सटर्नली का मतलब वही है ना, तो दैट मीन्स हमें वो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो कौन सी ऑप्शन होगी? डी ऑप्शन हो। ओके जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अल्फा बीटा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ जी बेटा, अगर आपको याद हो नाइन्थ में ही शॉर्टकट में ही सीधा बताते थे कि अगर मैंने एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेना है तो हम वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, लेकिन वाई एक्सिस से लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ वर्ड है डिस्टेंस। अगर ऑप्शंस ऐसे नहीं है, देखिए, एक अल्फा, नेक्स्ट बीटा, सी मॉड अल्फा, डी मॉडुलस ऑफ बीटा, बिकॉज मुझे नहीं पता अल्फा बीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, तो दैट मींस मॉडुलस ऑफ मेरे पास बीटा आएगा आंसर। बात समझ आई बेटा? डी इज द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन ए बी सी में जहां पर भी मॉडुलस ऑफ बीटा है वही आंसर होगा। ओके बेटा, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है। अगर कहें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम y-axis, मॉडुलस ऑफ क्या आएगा? अल्फा। ओके जी, क्लियर? बेटा इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता ना, मान लो अगर पॉइंट होता 2, -3 और मैं आपको कहती एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो आप -3 डिस्टेंस थोड़ा बोलते हो, अब क्या बोलते हो? 3 डिस्टेंस। दैट्स व्हाई एग्जैक्ट आंसर इज दिस, ठीक है ना? साइन अगर पॉजिटिव होता, 3 होता, तो कोई टेंशन नहीं है ना, बट हमें पता ही नहीं है ना बीटा कैसा है, तो दैट मीन्स हमें इसका मॉडुलस ही लेना, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम ओरिजिन, ये तो सीधा ही पता है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ओरिजिन से जब भी आए, क्योंकि आप करोगे अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, रहना तो अल्फा स्क्वायर ही है, और बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, रहना तो बीटा स्क्वायर। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y is equal to zero, very good. उसके बाद है sixth question, equation of y axis x is equal to zero. Next आप देखो बेटा seventh question में उसने क्या कहा है? आप जितनी भी books देखोगे ना उसमें पता क्या होगा, दो question easy, एक थोड़ा सा हटके, दो question easy एक हटके, तो करने सारे ही पड़ते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरे पास हो गए question number seventh and letter C. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, व्हाट दे हैव रिटन, स्लोप ऑफ अ लाइन विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट विद बोथ एक्सिस, क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी बनेगी? अगर मैं इक्वल इंटरसेप्ट ए मान लूं तो एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर ए इक्वल टू वन, यानी एक्स प्लस वाई ये उधर चला गया तो माइनस है इक्वल टू जीरो, तो दैट मींस माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई, आंसर कितना आया माइनस वन, स्लोप कितनी आई माइनस वन। ठीक है जी, क्लियर, चलो आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर एट, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज, अब इंक्लिनेशन निकालनी है, इंक्लिनेशन मतलब क्या, थीटा निकालना, तो अब थीटा निकालना है, आपको स्लोप पता चल सकती है, टैन थीटा इज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई, कितना आया वन, बिल्कुल जी। ओके जी, क्लियर, समझ आ रही है बेटा सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर बेटा, एनी प्रॉब्लम, बाकी बच्चे बेटा, अदिति अर्शदीप ध्रुव दिव्यांशी सबको क्लियर है? ओके चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, नाइन्थ क्वेश्चन, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मेरे पास लाइंस दी हुई है बेटा ax प्लस by इक्वल टू c एंड a डैश x प्लस b डैश y इक्वल टू c डैश, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल, स्लोप करें पहली लाइन का स्लोप माइनस कोफिशियंट ऑफ x ओवर y इनटू, हां जी माइनस a डैश ओवर b डैश इक्वल टू माइनस वन, सॉल्व कर लो माइनस b डैश, और ये कंडीशन एमसीक्यू में दी हुई है, काम खत्म। ओके बेटा, मैं एमसीक्यू के नीचे ऑप्शंस नहीं बता रही हूं, क्योंकि आंसर सॉल्व कर लिया तो उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगी होगी, ठीक है जी। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर टेंथ, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या करेंगे बेटा, पहले इसकी स्लोप निकाल लें। माइनस कोफिशियंट ऑफ x ओवर कोफिशियंट ऑफ y माइनस 1, तो परपेंडिकुलर लाइन की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव, तो वो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, 1। तो इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 2 स्लोप इनटू x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो मेरे पास हो गए x माइनस y जो गए, और ये 2 इधर प्लस आ गया, 1 इक्वल टू 0। ओके जी, बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, चले आगे बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो गए 11th क्वेश्चन फ्रॉम जो गए एमसीक्यूज, 11th क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू, लेट अस सी द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन हाँ जी, अब इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, कौन सा, टू पॉइंट फॉर्मूला नहीं, एक पॉइंट से एक लाइन पे, ये इधर आ गया इक्वल टू 0, पॉइंट पुट करो 2 × 1 = 2, -3 पुट किया 9, -4 ओवर अंडर रूट ऑफ 4 + 9 हाँ जी 7 ओवर रूट 13। ऑप्शन देख लेनी है कि रैशनलाइज करके दिया कि ऐसे ही दिया हुआ है। हाँ जी, मेरे पास रैशनलाइज करके आंसर दिया हुआ है, ऑब्वियस है, रैशनलाइज करना पड़ेगा आंसर। ओके जी, क्लियर। हाँ जी बेटा, एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं। ओहो, देखो मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर ली, क्या गलती की आपको पता, यस, देखो मैंने देखा ही नहीं, यहां वाई था यहां एक्स था, जल्दी जल्दी में गलती हो गई ना, और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, यही पेपर में ऐसी गलती होती है। तो देखो मुझे एक्स की जगह एक्स पुट करना है, वाई की जगह वाई पुट करना है, तो -6 - 3 - 4, वैसे फर्क जो है हमारे आंसर को पड़ गया, क्यों, क्योंकि मॉड और नीचे अंडर रूट तो वही बनना था 4 + 9 = 13 मेरे पास, और ये कितना बना 13 / √ जो है 13। देखो मुझे कैसे पता ही नहीं चला, क्योंकि बुक वाले भी बहुत शैतान है, उन्होंने भी एक्स वाले में एक्स करके वो आंसर दे दिया ताकि बच्चे को लगे हाँ निकल गया, काम खत्म है ना, ऑप्शन वो भी थी ना, तो पेपर में भी ऐसे ही काम होता है, वहां पर दोनों ऑप्शन है, तो यही चीजें गलती होती हैं कि हम जल्दी होती है, उस टाइम प्रेशर होता है, मुझे है कि अच्छा मैंने ये टारगेट खत्म करना है, मैंने बॉदर ही नहीं किया कि यहाँ एक्स है के वाई है, और मैंने सीधा पुट कर दिया, तो इन चीजों को मिन्यूटली ध्यान में दे बेटा। कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का 9 + 4, वो तो 13 ही रहना, ठीक है बेटा, क्लियर, ध्यान से बेटा करेक्ट कर लेना, दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज वी डैम बॉदर इन दैट केस की एक्स कहाँ है वाई कहाँ है, सीधा पुट कर दी हमने वैल्यू। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12th, लेट अस सी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, याद रखना कि अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, इसमें परपेंडिकुलर है, तो प्रोजेक्शन वर्ड मतलब मुझे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर। ओके जी, तो प्रोजेक्शन ब्रैकेट में उसने लिखा भी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द एक्स एक्सिस,
दे हैव रिटन कि एक्स एक्सिस पे इसकी क्या प्रोजेक्शन होगी, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर एक्स एक्सिस पे है पुत्र तो ये तो एक्स ही रहना है, वाई जीरो हो जाना बस। अगर वाई एक्सिस पे कहती तो जीरो कॉमा वाई, समझ आई बेटा, क्योंकि उसने एक्सिस मेंशन कर दी और जो भी एक्सिस में होता है वो एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वाई जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा एक्स जीरो हो जाएगा। ओके जी, क्लियर। चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, 13th क्वेश्चन वाई एक्सिस वाला है, मैंने करवा दिया। नाउ आई एम डूइंग 14th क्वेश्चन। हाँ जी, इमेज ऑफ अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, इमेज ऑफ ए पॉइंट कॉमा अल्फा कॉमा बीटा अलोंग या इन द एक्स एक्सिस, इन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इमेज देखनी है। अब मैं सिंपल से बात बताऊं, देखो अगर ये अल्फा बीटा है इसकी इमेज देखनी है एक्स एक्सिस के अलोंग ना, मेरे पास एक्स तो उतना ही रहना है, वो चेंज नहीं होता, सिर्फ बीटा माइनस में आ जाता है, यानी उल्टा वाई का नेगेटिव आता है। अच्छा अलोंग वाई एक्सिस कहती माइनस अल्फा। ओके बेटा, क्लियर, सबको बात क्लियर है। चलिए गुड, नाउ कम टू नेक्स्ट, मान लो आपको ये दिया होता थर्ड क्वार्टर में कोई पॉइंट, तो आपको क्लियर कट माइनस अल्फा और माइनस बीटा दिया होता, आपने इसकी इमेज निकालनी है अलोंग वाई एक्सिस, तो बेटा वो इधर ही आएगी, सिर्फ क्या होना है अल्फा ही चेंज होना है, बीटा तो माइनस ही बीटा रहना। ओके, जिस एक्सिस के अलोंग चेंज होनी है ना उसको नहीं चेंज करना, दूसरे को चेंज कर देना बस, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, बस काम कर। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू x, यानी x माइनस y इक्वल टू जीरो। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है, पहले इसकी स्लोप देखे, माइनस कोफिशियंट ऑफ x ओवर, आंसर कितना आया 1, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी माइनस 1, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 स्लोप इनटू x माइनस x, सॉल्व कर लो एंड गेट योर आंसर, ये तो इजी है ना, इजी। चलिए अब नेक्स्ट देखो बेटा, मैं एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कराने लगी, असर्शन एंड रीजनिंग आपने पढ़ी हुई है साइंस में, है ना, पहले टर्म में जो है आपके पास। अब देखिए इसमें चार ऑप्शंस होती हैं, सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कट करूं, लेट अस राइट फर्स्टली, असर्शन एंड रीजन। ओके, अब क्या होता है मेरे पास, ए एक स्टेटमेंट होती है, ओके, बी आर जो है उसका कुछ रीजन होता है। मैं आप एक इजी सा आपको मैथ्स के रिलेटेड बताती हूँ कि कैसे मैथ्स में असर्शन रीजन बहुत लोअर लेवल का पहले बताने लगी। मान लीजिए मुझे कहा हुआ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, then its area is 25 pi centimeter square. Okay, reason area, area of circle is
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन क्या होती है हमारे पास? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड, चलो असर्शन इज रीजन correct explanation of a second mere paas ho hai. Assertion is false, reason is true, assertion false hai, reason true hai. C option, assertion is true, reason is false, assertion true hai but r is not correct explanation jo hai of a, theek hai. Ab yahan par dekho, pehle to check karna mujhe radius of circle agar 5 hai to area pi r square dekhu to pi 5 square 25, assertion true hai. Mere paas रीजन यहां पर देखो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे पास कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट वाला, ठीक है. अगर मैं यहां लिख देती एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स. जो यहाँ आर फॉल्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर आर भी ट्रू है, तो मेरे पास वो है यहाँ पर, यस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो. यहाँ यही गलती होती है कि बच्चों को लगता है कि ये इसका रीजन नहीं है, अदरवाइज तो ये ट्रू है ना. हाँ, ये फॉल्स पता कब होता? जब यहाँ एरिया ऑफ सर्कल लिखती, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 नहीं होता, नहीं होता ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, तो इजी. तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना. क्वेश्चंस इजी हैं, बिल्कुल वहीं से निकाल के. अब इसी को मैं स्ट्रेट लाइन में आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. लेट अस सी, मेरे पास, हमारे पास असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी मिल नहीं रहे हैं, वी आर मेकिंग अवर सेल्फ, ठीक है. तो उसको ध्यान से, किसी भी रहना वही है जो एमसीक्यू टाइप है, बस हमने देखना ऑप्शन कौन सी थी, डायरेक्टली आंसर नहीं पूछा, असर्शन और रीजनिंग में पूछ, ठीक है. लेट अस सी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट करवाने लगी हूं आपको. मान लीजिए 15 की दोबारा करवाती हूं. मैंने ऑप्शन लिखी द इक्वेशन ऑफ line passing through the point 1, 2 and perpendicular to the line x plus y plus 1 equal to 0 is, मेरे पास जो है, एक सेकेंड 16 इज वाई माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो. वैसे नंबर 15 डाल दिया, 16 डाल लो, ठीक है जी. इज दिस रीजन, ये असर्शन है. रीजन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म इज वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन over x2 minus x1 into x minus x2.
अब बताइए। क्या क्या दोबारा बोलो। बिल्कुल ये 2 पॉइंट फॉर्म का बिल्कुल सही है, पर ये निकाल के देखना पहले, कैलकुलेट करके देखो स्ट्रेट लाइन ये आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो तभी कहोगे यस, यानी आपको 1 पॉइंट फॉर्म मतलब पॉइंट और स्लोप फॉर्म से आपने इक्वेशन निकालो, चेक करो ये आ रही है तो असर्शन रीजन है, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन। क्यों आप मुझे बताओ इसमें करेक्ट क्या होगा? हमारे पास y माइनस y वन m इनटू x माइनस x वन ये यूज होनी है, ये थोड़ा यूज होनी है बेटा, पर 2 पॉइंट तो हम यूज ही नहीं कर रहे। यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म लिखी है, आपने तो 1 पॉइंट और एक स्लोप लिया है, तो आप इसको करेक्ट कैसे कह सकते हैं? दैट इज रॉन्ग ना, यही तो हमें न्यूटली चेक करना है। आपने यूज क्या किया, क्या रीजन दे रहे हो? बिकॉज यू आर यूजिंग स्लोप एंड पॉइंट, यू आर नॉट यूजिंग 2 पॉइंट्स ना, तो दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दिस। समझ आई बात बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर सबको? बेटा गर, गुरजोत, गुरसीरत, हर्षवर्धन, क्लियर टू एवरीवन? गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चंस वही हैं, एमसीक्यू को चेंज कर दिया, बट हमने क्या कर दिया बीच में, असर्शन रीजनिंग ऐड कर। मैथ्स में ऐसा ही होगा, देखो सिर्फ आपसे बेसिकली फॉर्मूला पूछा जाएगा और कुछ नहीं है, तो वो रीजन ही है हमारा फॉर्म। आपको याद होगा 10th तक हम आपको कहते थे कि बेटा साइड पे ना फॉर्मूला लिखो, आइडेंटिटी लिखो, नंबर काटते थे कि नहीं बोर्ड में, कटे ना कटे यहाँ काटते थे, उसका रीजन यही था। तब हम कहते थे दिस इज द आइडेंटिटी, रीजन स्पेसिफाई करो, लीनियर पेयर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वर्ड रीजन ही बोलते थे, होता वो बेसिकली फॉर्मूला में आइडेंटिटीज होती हैं, तो इसीलिए। बात समझ आई? तो वो आपने देखना है कि जो रीजन दिया है वो आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जब यूज नहीं कर रहे तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो तब आर करेक्ट भी नहीं था, है ना? तब आर भी फॉल्स हो गया, क्योंकि स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी होती थी? वाई माइनस वाई वन, इधर स्लोप एम आता था, 2 पॉइंट तो यूज ही नहीं करते थे हम। तो ये छोटी छोटी बातें वहां आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं एमसीक्यू टाइप ही करवाऊंगी। लेट अस डू नेक्स्ट नाउ अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 17। अब पता चल गया सेशन रीजनिंग का, ठीक है? मैं सेंड भी करूंगी क्वेश्चंस आपको, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 17, अ लाइन कट ऑफ एन इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। मेरे पास जो है एक लाइन जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, नीचे को होगी क्योंकि -3 कट कर रही है ऐसे, ओके जी? अब उसने दा लिखा हुआ है एंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विद पॉजिटिव जो है एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये, तो ये एंगल हो गया टैन थीटा, ये दिया हुआ है 3/4, ओके जी? नाउ व्हाट, 3/5 सॉरी, नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, हाँ जी टेस्ट में भी डालना था, चलो अच्छी बात है, अब एक बार टेस्ट भी डिस्कस हो जाएगा ना साथ साथ, हाँ जी। चलो अब क्या करें, यहाँ पर एम दिया, इस पॉइंट को ले ले 0, -3, ओके जी? पॉइंट स्लो फॉर्म लग गए, तो वाई माइनस वाई वन स्लो इनटू एक्स माइनस 0, सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। अब इसी में
अगर assertion reasoning में डालती, the equation of line is this, reason, अगर मैं लिखती x over a, y over b equals to 1, y correct option, ये r correct explanation है, नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है true है, अगर आगे लिखा है intercept form, तब true होगी, अगर आगे लिखा है कि मेरे पास कुछ और लिख दिया, 2 point form लिख दिया, मतलब उसको minutely पढ़ना आप, समझ आ गई बेटा? Clear? चलें आगे, चलिए, next बेटा, question number 18, the tangents of the angle between the two lines whose intercept on the axis are a minus b and mere paas ho gaye b minus a respectively is haan ji ab bataiye ye intercept de diya do lines ka na to clear cut pehle first line haan ji put kar lo ya seedha nikal lo doesn't matter haan ji x over b y over minus a equal to 1 koi zarurat nahi solve karne ki seedha slope nikal lo kyunki tan of an angle nikalna hai use kya honi hai wahan slope time bhi to save karna hai na minus pehli slope minus coefficient of x over coefficient of negative ye b by a m2 minus coefficient of मेरे पास हो गए x over coefficient of this ये क्या हो गया a by b अब tan theta निकाले तो मेरे पास tan theta is mod m1 minus m2 over जो गए 1 plus m1 m2 वो 1 ही बच जाएगा इसको सॉल्व करो b square minus a square और नीचे 2 ऑप्शन हम देख सकते हैं हमारे पास जो है बिल्कुल ऑप्शन है बी ऑप्शन इज देयर हां जी बिल्कुल आएगा यस वो खत्म कर गए हम ए बी वो सारा मॉड में रहेगा ऑप्शन है ये भी ऑप्शन है सी ओके जी क्लियर बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं